वनिता वनिता की जोड़ी आज साथ बैठी है, एक विनीता एक वनिता है। तो विनीता विनीता जी, आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ? मेरी तो लॉन्ग अवेटेड डिजायर पूरी हो गई और जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा ज्यादा पाया। और मेरे को सर आपके बारे में काफी कुछ पता था, फिर भी मेरे को एक क्यूरियोसिटी थी और जानने के लिए, लेकिन आपको इतना लाइवली और बहुत मतलब एक सुकून मिला मुझे, बहुत अच्छा है। और जो हमारा जोधपुर का ट्रिप है, मतलब एक यादगार बन गया जिंदगी भर के लिए। शब्द तो नहीं है मेरे पास, ना मैं कविता लिखती, लेकिन एक मेरी दिली इच्छा पूरी होगी जो मैं जैन साहब को पिछले 3 साल से गा रही थी कि मेरे को जोधपुर जाना है, जोधपुर जाना है। रियली वंडरफुल और नाइस टू मीट यू। कि हम और उम्मीद है कि आगे भी मिलेंगे, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा दूसरा भी देखने को मिलेगा। एक बहुत बहुत खुशी हुई आपका स्वागत करके। और आप अपने साथ किसको लेके आई हैं? मैं अपने समधी को लेके आई हूँ, लेकिन लेके बहुत कुछ जा रही हूँ। ये बॉटल नीचे रख देना। बहुत कुछ लेके जा रही हूँ यहाँ से। और आपको कैसा लगा वाकई यहाँ? हम लोग 4 साल यहाँ रहे, लेकिन हम इसको नहीं पहचान पाए। ये बहुत बड़ा मतलब वो रहा, पता नहीं है, पता नहीं था आपको? पता नहीं था, हाँ। लेकिन अब आए हैं तो काफी अच्छा फील कर रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट तो गजब की है। ऐसा लग रहा है कि 3 तिकड़ी इस समय बैठी हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोग यहाँ आए। और हाँ जैन साहब आपने तो गार्डन का आपको शायद इतना शौक नहीं है, और ये आपके बहुत पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे जोधपुर जाना है। तो आज आपको आके कैसा लगा? मुझे आके बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि मैं नेचर लवर नहीं हूँ, मैं नेचर का, लेकिन उतना मेरा समय नहीं मिल पाता है, वो बात सही है। उतना मैंने अपने उसमें अटैच नहीं हुआ है। जी हथियारों के प्रोडक्शन में ही लगा रहा। आज लगा फाल्गुन मास अभी है, पर्व आने वाला है, उसमें गुलाबी इतने सारे रंगों को देख के जीवन में जो रंग भर रहे हैं वो अविस्मरणीय है। मैं इसके बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। अति सुंदर, बहुत ही अच्छा और मानसिक रूप से बहुत ही संतावना बोलिए या बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी शायद बात बहुत अच्छी लगी, तो उसने भी उसे ऊपर से अपना संगीत सुना के, और शायद वो भी इसको कह रही है कि आपने वाकई बहुत अच्छा बोला है। आप इनके कहने से आप भी आए यहाँ पे, आपको कैसा लगा? मेरे को तो इतना बढ़िया लगा कि पहली बार इतनी नेचुरलिटी को मतलब इतने नज़दीक से देखा, और इतने ऐसा कभी भी मैंने मेरी लाइफ में नहीं नहीं नेचर आपको क्यों अच्छा लगा कि आज आपकी हनीमून वाली फोटो खींच गई? क्योंकि आपने तो कह दिया हम तो गांव में रहते थे, ऐसी फोटो तो हो खिंचवा ही नहीं सकते थे, और यहाँ खींच गई, शायद आपको इसीलिए ज्यादा अच्छा लग रहे हैं। ने कितनी प्रशंसा की है ना सर। एंड आई टेल यू फ्रेंड, दिस इज लाइफ। कोई आके जब आप किसी की मुस्कुराहट का कारण बन जाते हैं और एक मकसद देते हैं कि ज़िंदगी में खुशी इन फूलों के साथ, प्रकृति के साथ आप बांट सकें, तो और ख़ासकर जब आदमी रिटायर होता है या 60s क्रॉस कर लेता है, तब हर आदमी को चाहिए कि किसी अपने शौक़ में समय थोड़ा सा निकाले ताकि ज़िंदगी खूबसूरत बनी रहे। आज का समय एक्चुअली ऐसा हो गया है कि बच्चे या तो जॉब करते हैं, बाहर रहते हैं, या वो अपनी उनकी ज़िंदगी हो गई है, और हम लोग पेरेंट्स की ज़िंदगी बिल्कुल अलग हो गई है। शौक़ कोई भी हो, लेकिन शौक़ अगर अभी तक आपने अपना पूरा नहीं किया है तो अब मौका है, आप अपने उस शौक़ में समय गुजारें, ज़िंदगी मुस्कुराएगी। और प्रकृति से बढ़िया सुंदर शौक़ मेरे हिसाब से कोई नहीं है, चाहे बालकनी हो चाहे टेरेस हो। आप 20 गमले 50 गमले 100 गमले लगाएं, और शाम को, और ज़रूरी नहीं है कि ये 5 घंटा 7 घंटा देना है, आधा 1 घंटा भी अगर आप इनके साथ बिताएंगे तो एक चीज़ और जो मैंने देखी जैन साहब की, जब हम दुविधा सभी को होती है, परेशानियां सभी को होती है, और क्वेश्चन मार्क कभी कभी हमारे ऑफिस में हो जाता है कि भाई इसका क्या आंसर है,
इनके साथ बैठ के एक कप चाय सुकून से पीते हैं, ये मुझे बताऊं, ये आपको उत्तर उसका दे देते हैं या कुछ एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे देते हैं? और हम अगले दिन जिसके लिए हम सुबह से सोच रहे थे कि भी इसको कैसे करेंगे, एक रास्ता एक राह हमको दिख जाती है, प्रकृति का ये कमाल है। हैं विनीता जी, आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, आई एग्री विद यू सर। और आप तो खैर शौक रखती हैं और कर रही हैं, और आज आपकी दिली तमन्ना शायद पूरी हो गई। चलिए, थैंक यू सो मच, आपका सभी का स्वागत कर। नहीं नहीं, बिजी शेड्यूल मेरा है नहीं, लोग मुझे कहते हैं मैं व्यस्त हूँ, मैं सबसे बेकार इंसान हूँ, क्योंकि नहीं नहीं सुबह फोन रखता ही नहीं हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं टिकट करा लूं और फिर माना जाऊं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है, हो सकता है कि लेट करूं रिस्पॉन्ड, और नॉर्मली 2 बजे के बाद जब यहां से जाता हूं तब खाना खा के नहा के खाना खा के फिर मैं पहली बार मोबाइल उठाता हूं देखता हूं, उसमें भी आजकल कभी कभी कोई दोपहर को लोग आ जाते हैं विदाउट इन्फॉर्मेशन, वो थोड़ा सा मैं सभी को कहता हूं कि भाई 2 से 5, 1 से 5 के बीच में नहीं आए, बाकी कभी भी आए, क्योंकि 7 घंटे काम करके कभी कभी थकान जरूर हो जाती है, तो लगता है कि भी थोड़ा सा आप लेट जाओ। सर, इस एज में कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू, नहीं तो आजकल जवान लड़के भी अगर जैसे मैं तो जवान ही हूँ। आपने भी तो देखिए देखिए विनीता जी, आपको भी कुछ अच्छा लगा तो आपने कहा आपके साथ एक सेल्फी खिंचवानी है। ये बहुत अच्छा, आज बहुत इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ में, हम मुस्कुराहट बांट रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग आए और चल के आए, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। चलिए, थैंक यू।